कल भी दरबार लगेगा। चिंता मत करो, आज दरबार में पर्चा जिनके बन जाते हैं सिर्फ वो भाग्यशाली नहीं है, सामूहिक अर्जी सबकी आज लगेगी। जरूरी नहीं पर्चा बन पाए, सामूहिक अर्जी आज लगेगी। और कल हम उपाय बता देते हैं, नारियल लेकर आना, यहां मत रखना, घर वापस ले जाना, लाल रंग का कपड़ा और नारियल, यहां पर सामूहिक अर्जी लगेगी। जिनके पर्चा नहीं बन पाए वो बैठ जाओ, लेकिन जो खड़े हैं तुम लोग बैठ जाओ, गुरु आज्ञा माना करो, जगह नहीं है, अब क्या करें। अब इसे बड़ो का पंडाल कितनों लगा दो जाए। साधु जी, सीताराम। अगला आदेश, हाँ आ जाओ, वो आर्मी जैसी ड्रेस पहने, हाँ आ जाओ आ जाओ, सीताराम भैया, सीताराम बालाजी के पास, तू भी आ जा लाला, हाँ वो लाला आ जाना, आप बैठ जाओ, तुम कौन लाला हो, तुम तो बूढ़े हो गए, उन्हें आने में। बस बस बस, भगवान को प्रणाम करो, हम तो सीआरएफ में हैं, सीआरपी में हैं। अच्छा अच्छा बैठो, कहाँ रहते हो? मैं अभी श्रीनगर से आया हूँ सर। आहा, रहने वाले कहाँ के हो? मैं मऊ का हूँ, अभी प्रयागराज में रह रहा हूँ सर। अच्छा, काशी के वासियों, हमारा आना कैसा लगा आपको? तो दोबारा आए कि ना आए? आना चाहिए। अब अगली बार 10 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था बनानी चाहिए। हाँ, काशी से हमारा पुराना नाता है, हमारे दादा गुरुजी का शरीर यहीं पूर्ण हुआ था काशी में, आज से 13 साल पहले। तो काशी हमें लगता हमारा ही घर है। बोलो बागेश्वर धाम की। बोलो क्या बात। गुरुजी, हमारे माँ बाप बच्चे सब बीमार एकदम रहते हैं और पूरा उथल पुथल मचा हुआ है। हाँ। और लास्ट में बालाजी का कृपा हो हमारे पर। दूसरा का बात यह है, लड़कियों की मैं शादी चाहता हूँ, अच्छी घर में पहुँच जाए और जो है उनका जो घर में हैरानी बीमारी बनी, लगातार परेशान है, परिवार पर कृपा होगी, समस्या हल होगी, बीमारी का कारण स्थान का दोष है जो ठीक हो जाएगा, बच्चियों का विवाह योग 2024 के प्रारंभ में संपन्न होगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद। बोलो बाला महाराज की। गुरु जी, मैं YouTube पर देखा और वहीं मन बना, मैं श्रीनगर से चल दिया सर। हाँ जी, आप समाज सेवा बाद में करना चाहते हैं जी, उसका भी योग बने, हमारा आशीर्वाद जी, खुश रहो। एक मंत्र लिखा, 3 माला जी, धाम की पेशी, बालाजी कृपा कर, खुश रहो, परिवार को दर्शन करवा देना बालाजी के, खुश रहो, बस बस, बालाजी को दंडवत करो, हम तो ना लाए। क्या है ये? केसर है? अच्छा अच्छा, वहाँ मिलती है, चलो चलो हम खाएंगे इसको, हम डाल लेते हैं, घूम जाए, जाओ। हाँ, कहीं घूम जाए फिर। और वो बालक कहाँ गया? वो जो टेंट पर चढ़े ना, जो बाहर हैं वो अंदर आने की कोशिश ना करें, बाहर वाले टेंटों में ही जावें, हमारा निवेदन है, इससे यहाँ की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और जो पुलिस व्यवस्था पीछे लगी हो, वो जो टेंट पर टंगे हुए हैं, उनको आप नीचे कर दो।
बोलो क्या बात। मम्मी दीदी भी। हाँ 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 ठीक है, पूछो क्या बात। दीदी की समस्या लेके आए हुए हैं। क्या हुआ है? दीदी को शादी हुए 3 साल हुए, उसको तलाक दे दिए हैं, नोटिस डालती हैं कागज कोर्ट में। आप क्या चाहते उसमें? दोनों लोग एक साथ रहें और पढ़ाई लिखाई की दिक्कत रहती है, दिमाग कहीं स्थिर नहीं रहता है, नौकरी के लिए भी दिक्कत आता है। दीदी के लिए क्या चाहते हैं? दीदी अपने घर में नजदीक आओ, आपका मन अशांत रहता, यही लिखा ना, यही पढ़े। परेशान हैं, बहन की अर्जी लेकर के आप दरबार में आए हैं, पति से कलेश मच गया, लांछन लगाते हैं जी। लांछन लगाते हैं, आरोप, लांछन मीन्स आरोप, आरोप, आरोप लगाते हैं, घर वाले रखना नहीं चाहते हैं, सामंजस्य होना मुश्किल है, पर स्वयं पूर्णतया झुक जाएं, नतमस्तक हो जाएं, अभी कुछ बोलना नहीं है, तो आगे एक बार चांस सामंजस्य बनने का बन जाएगा, बालाजी की कृपा से आशीर्वाद। जय श्री राम। एक हमने मंत्र लिखा, उनका चित्र हमें दे देना जी। हो जी, आशीर्वाद। बाबा जी चित्र किसे देंगे? हमें धाम पर, मां धाम पर, यानी खुश रहो। बोलो बागेश्वर धाम की, हार हार।